हाय गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का ये पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था और इससे रिलेटेड जो टर्म होते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को, लॉस को, वो चीज़ को मैंने आपको पार्ट वन में समझाया हुआ है और एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के सेशन में बच्चों हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रॉफिट लॉस का जो कॉन्सेप्ट है उसको और क्लियर करेंगे। तो जिन लोगों से पार्ट वन पर मिस हो गया है, पहले पार्ट वन को आप देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली वहां से जाके पार्ट वन को देख सकते हैं। जब पार्ट वन देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ। और प्रॉफिट लॉस में फिर से बता दूँ, गेट के लिए 5-स्टार टॉपिक के हर साल 3-4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं किसी न किसी ब्रांच में। ऐसा हो सकता है कि आपके ब्रांच में इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाए, तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर वन जो है मैंने आरआरबी एग्जाम 2019 से लिया हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ आर 72, कोई पर्सन है आर्टिकल को सेल करता है 72, तो ये जो पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन है जो सेल कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर सोचा जाए तो देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, लॉस हो रहा है 10% का, याद रखना। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो वो पहले उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, मान लो कि कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, वो कॉस्ट प्राइस पे कुछ खरीद के लाया होगा और उसको बेच रहा है 72 रुपीज में। 72 का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस में बेचना, जो जिस देखो जब 72 रुपीज में बेचेगा तो उसके जेब में कितना आएगा, 72, तो जेब में उसका आया 72, सेलिंग प्राइस 72 हो गया। अब उसके जेब से कितना गया ये हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ पता है कि ये 10% का लॉस हुआ है। तो एक बात बताओ बच्चों, 10% लॉस का मतलब क्या होता है कि ये जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा इसका 10% निकाल के इसमें से घटाए होंगे, तभी तो 10% का लॉस होगा। मान लो कि आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीद के लाया, बेच रहे 90 रुपये में, तो उसका 10% उसमें से कम करेंगे ना, यानी इस कॉस्ट प्राइस को 10% से जब हम डिक्रीज कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, उसको 10% से डिक्रीज करने के बाद 72 आ रहा है, मतलब कोई नंबर है जिसको 10% से, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कोई एक नंबर है जिसको 10% से डिक्रीमेंट करने के बाद वो नंबर 72 आ जा रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दूसरा आगे बोला इन ऑर्डर टू गेन, अगर इसी प्रोडक्ट को अगर वो 5% गेन से बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा। अब गेन करके बेचेगा मतलब कि इसी प्रोडक्ट को गेन करने का मतलब होगा कि 5% से क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। गेन करने का मतलब 5% का प्रॉफिट, यानी कि जितने का खरीदा होगा उसका 5% से बढ़ा देगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वही निकाल, ये आपका सेलिंग प्राइस निकाल के बताना है। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको ये कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस कहाँ से निकलेगा, पहले वाले कंडीशन से निकलेगा। अब पहले वाले कंडीशन से ये कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको सिंपल से लैंग्वेज में, कि कॉस्ट प्राइस को 10% से डिक्रीज करने के बाद 72 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कोई क्वांटिटी 10% से डिक्रीज होने के बाद अगर क्वांटिटी दी है तो उसको कैसे निकालते हैं, ये आपका तरीका आपको पता है। पहला मेथड कि स्केलिंग फैक्टर से निकाल सकते हैं। स्केलिंग फैक्टर का मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस को 10% डिक्रीज करने के बाद ही आ रहा है, तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसमें 0.9 का मल्टीप्लाई किए होंगे, कॉस्ट प्राइस में 0.9 का मल्टीप्लाई किए होंगे, तो 72 आ रहा होगा। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कितने लोग बोलेंगे जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 डिवाइडेड बाय 0.9, और यहां से सॉल्व करोगे बच्चों तो यहां पे आ जाएगा 80, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब बच्चों यहाँ पे निकालने का आती है तो स्केलिंग फैक्टर के थ्रू निकाल लिए। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये इसका डिविजिबल था, मल्टीपल था, आपने आसानी से निकाल लिया। या फिर दूसरा तरीका से ऐसे सोच सकते थे आप, खुद सोचो कि ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको 10% से डिक्रीज किए हैं, जब 10% से डिक्रीज किए हैं बच्चों तो ये आ रहा है, यानी कितने लोग बोलेंगे कि ये जो है 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। सिंपल सा बोल सकते हो कि 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को जब 10% से डिक्रीज करने का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस का 10% निकाले, उसमें से 10% उसका घटा दिए, तो वो आ जाएगा 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 90% की वैल्यू आपको दी है 72, और आपको 100% निकालना है, तभी तो कॉस्ट प्राइस क्या 100% है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 आ जाएगी, और यही तो कॉस्ट प्राइस है ना, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस ऐसे आ गया। तो आप या तो स्केलिंग फैक्टर का यूज करो या फिर ऐसे यूज करो। देखो स्केलिंग फैक्टर तभी काम करता है जब इसका मल्टीपल हो, लेकिन इस वाले में मेथड से आप लगभग में अप्रॉक्सिमेट लगभग 99% क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, या तो स्केलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करो या फिर ऐसे ही कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है। अब आपको जब कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 80 आ गया। अब बोल रहा है कि जब
इसको 5% गेन से बेचेगा तो 80 रुपये में उसने खरीद के लाया, उसके जेब से 80 रुपये लगा और 5% का गेन हो रहा है, मतलब इसका 5% निकाल के क्या करेगा, इसमें ऐड कर देगा। अब इसका 5% निकालना बहुत आसान है बच्चों, 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा, तो 5% कितना होगा, 8 का आधा होगा, मतलब 4 रुपीज, यानी कि वो 84 में बेचेगा तभी उसको 5% का क्या होगा, गेन होगा। 5% गेन का मतलब इसको 5% से बढ़ा के बेचेगा, तो ये 84 हो गया। 84 का मतलब कौन सा आंसर हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, डी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है, फार्मूला यूज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। इस सेशन का मेन टारगेट ये बच्चों की वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँ, मतलब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, फ्रेम करना चाहो तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हीं वैरायटी को डिस्कस करना चाहता हूं आपसे जो कि आपके गेट में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक सेक्टर में आते हैं और इंजीनियरिंग सर्विस में आते हैं, ठीक है। तो हम वन बाई वन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आने वाले सेशन में भी, ठीक है। ये तो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अगर लॉस दिया रहेगा तो गेन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जो बार बार एग्जाम में आता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। और इस टाइप के क्वेश्चन आने का मतलब आप देखिए और 5 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब वो कैसे करना था, देखो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, रेशियो दिया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 4:5 दिया हुआ है, ठीक। जब रेशियो दिया होता है बच्चों तो आपको पता है कि ना ही कॉस्ट प्राइस का एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ना ही सेलिंग प्राइस की एग्जैक्ट पता है। हाँ यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस को हम लोग 4x मान सकते हैं, तो साथ में सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब जो लोग फार्मूले से सॉल्व करते हैं उनको प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो पता था कि जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों कि ये कम आ रहा है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ रहा है, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा आता है कॉस्ट प्राइस से मतलब प्रॉफिट होने वाला है, तो यानी कि प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मैं ये बात बता चुका हूँ कि नीचे कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड होता है हमेशा, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 5x है, यहाँ पे 4x है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 4x है इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये जाएगा 100/4, तो 100/4 का मतलब हो गया 25% प्रॉफिट हो गया बच्चों। तो 25% प्रॉफिट का मतलब ए इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप ऐसे लिख के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसको बिना पेपर वर्क के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे तो ये बात ध्यान रखना, आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना, अभी जो मेथड डिस्कस कर रहा हूँ इससे आपको सॉल्व करना है। अगर ये मेथड आप समझ गए तो आपको 10 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो लोग रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास देखेंगे उनको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा, जो लोग रेशियो प्रोपोर्शन क्लास नहीं देखें ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डाउट हो, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको भी ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे, तो देखो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। जब कोई रेशियो दिया होता है बच्चों तो हम लोग कॉस्ट प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते, सेलिंग प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपया होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 रुपया होगा, क्योंकि उनका रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, 4 और 5 का आना चाहिए, क्लियर है। तो खुद सोचो कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है और सेलिंग प्राइस 5 रुपया है तो प्रॉफिट होगा, पहला बात है। अब प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, तो मान लो कि उसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपया था, सेलिंग प्राइस 5 रुपया था, तो 4 रुपया का कोई सामान खरीद के लाया और बेच रहा है 5 रुपये में, तो उसको कितने का फायदा हुआ, 1 रुपया का, और 1 रुपया का फायदा कितने पे हुआ है बच्चों, तो 4 रुपया उसके जेब से इन्वेस्ट हुआ है, यानी 4 रुपया लगाया है और उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट कमा ले रहा है, तो 1/4 क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25% का प्रॉफिट होगा। या फिर ऐसे सोच सकते थे कि 4 रुपया पे 1 रुपया कमा रहे तो 4 रुपया का 1 रुपया कितना है, तो 25% होता है, सबको पता है 4 रुपया का 1 रुपया कितना होता है, 25%, तो 25% का प्रॉफिट होगा। आपको ऐसे सोचना है, ऐसे फार्मूले से कभी भी ऐसे नहीं सॉल्व करना, याद रखना आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर है। एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो है 40 आर्टिकल, मतलब 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस इंटू 40 कर देंगे, और ये किसके इक्वल दिया बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, मतलब सेलिंग प्राइस में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रॉफिट और लॉस होगा ये आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस निकालोगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे कि सर 5/4 आ जाएगा। अब देखो जैसे ये रेशियो आया तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 आ रही है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ये एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन रेशियो से हम एक अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान का मतलब हमको अगर सेलिंग प्राइस को 4 रुपये मानेंगे तो कॉस्ट प्राइस को 5 रुपये मानना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस होगा,
ठीक है, क्योंकि वो अगर माने तो 5 रुपया खरीद के ला रहा है और बेच कितने का रहा है, 4 रुपये का, तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है। यानी कि जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉफिट का, वो तो कभी होगा नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट की स्पेलिंग यहाँ पे FIT होगा, प्रॉफिट, तो दो प्रॉफिट तो होगा नहीं, यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो मेजर क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों गेट में या पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली पब्लिक सेक्टर के क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे मोटे PSU में JEE लेवल के जो होते हैं सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 2 ऑप्शन लॉस का बनाता है, 2 प्रॉफिट का बनाता है। तो जैसे आप ये रेशियो देखेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि प्रॉफिट वाले तो आंसर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस होने का रीजन ये है कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपया है, मतलब वो 5 रुपये का कोई सामान लेके 4 रुपया में बेच रहा है, तो उसको लॉस होगा, सिंपल सी बात है। अब कितने का लॉस होगा, तो देखो परसेंटेज लॉस निकालना है, तो बच्चों कितने लोग बोलेंगे परसेंटेज लॉस निकालने का, सिंपल सा अभी तरीका में बताया। आप ऐसे सोचो कि वो 5 रुपया अपने जेब से लगाया, उसके पास आया कितना, 4 रुपया, तो कितने रुपये का लॉस हुआ, 1 रुपया, और कितने पर लॉस हुआ, 5 रुपये पे। तो 5 रुपये का 1 रुपया कितना है, तो कितने लोग बोलेंगे 20% है, या फिर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो डायरेक्ट 20% लिख सकते हो, या फिर कैलकुलेट करना चाहते हो तो 5 रुपये पे 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 1/5 हो जाएगा, × 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20% का लॉस, 20% का लॉस होगा, याद रखना 20% का लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 कर लोगे बच्चों, तो ये सब मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप देखोगे और टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, इसमें बस स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया है। तो इस वैरायटी में जितने इस कॉन्सेप्ट पे जितने वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा का सारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ठीक है कॉस्ट प्राइस है जो 80% ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो इस क्वेश्चन में भूल दिया कि प्रॉफिट कितना होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा होगा तो ही प्रॉफिट पूछ रहा है, लॉस यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट होना चाहिए। अब क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब अगर इसको हम लिखे तो कॉस्ट प्राइस जो है बच्चों 80% ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर है, सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि ऐसी इसको अगर मैथमेटिकल सॉल्व करो तो 80% ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा कि सेलिंग प्राइस को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये आप ध्यान से देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सेलिंग प्राइस / आ गया आपका 0 और ये हो जाएगा 5, यानी कि कॉस्ट प्राइस = हो जाएगा 4/5 सेलिंग प्राइस, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस / सेलिंग प्राइस = हो जाएगा आपका 4/5। अब इसको देखो, आप खुद सोचो, इसको देखने के बाद रेशियो का आपको एकदम चीज क्लियर हो गया होगा कि कोई सामान वो 4 रुपया में लाता है और बेच कितने में रहा है, 5 रुपया में, सिंपल सी बात है। वो सामान ला रहा है 4 रुपया में, बेच रहा है 5 रुपया में, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, और ये 1 रुपया कितने में प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस पे जितना उसने इन्वेस्ट किया था तो 4 रुपया पे 1 रुपया कमा रहा है। तो 4 रुपया के 1 रुपया कितना होता है, सबको पता है 25% होता है, तो 25% का इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जिनको नहीं पता है तो 4 रुपया पे 1 रुपया कमा रहा है तो क्या करोगे, 1/4 कर दोगे और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये जो आएगा ये भी क्या आएगा, 25% के बराबर आएगा। तो 25% का प्रॉफिट मतलब बी आंसर है, बी टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से लिया हूँ बच्चों, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन JEE लेवल के या फिर AE लेवल के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और पब्लिक सेक्टर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो ONGC 2014 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज, तो कॉस्ट प्राइस है 21 ऑरेंज का, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस × 21 ऑरेंज हो जाएगा इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज, यानी इक्वल टू सेलिंग प्राइस × 18 ऑरेंज। अभी तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फाइंड प्रॉफिट और लॉस, कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब देखो ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा है तो ऑप्शन यहाँ पर रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे, तो देखो कितने लोग बोलेंगे सर इसका रेशियो हम जब लिख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट होना है, 3 से डिविजिबल है तो 6/7 हो जाएगा। अब कुछ सोचो, वो आदमी 6 रुपया का ला रहा है और 7 रुपया का बेच रहा है, मतलब डेफिनेटली क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे 6 रुपया का सामान ला रहा है, बेच रहा है 7 रुपया का। अब कुछ सोचो कि 6 रुपया का ला के 7 रुपया का बेच रहा है तो कितने रुपये कमा रहा है, 1 रुपया, और कितने पे कमा रहा है, जो कि जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया मतलब कॉस्ट प्राइस पे, तो 6 रुपया पे 1 रुपया कमा रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 6/1 कितना होता है, 16/2/3% होता है, यानी कि 1/6 हम कमा रहा है, 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लोग बोलेंगे जो आता है 16/2/3% के बराबर आता है। आपको मैं बता चुका हूँ परसेंटेज की क्लास में ये कितना आता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। और अब ए टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपके पब्लिक सेक्टर में पूछे जाते हैं, मैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के पेपर में देखा हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि कोई इंसान है, कोई आर्टिकल खरीदता है और खरीदता है 5 रुपये का 6 आर्टिकल,
मान लो कोई टॉफी खरीद रहा है, 5 रुपये का 6 टॉफी खरीदता है और उसको ले जाके 6 रुपये के 5 टॉफी बेच रहा है, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो भी रहा होगा, ठीक है। अब कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको देखेंगे, वही निकाल के आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए बच्चों, तो आपको पहले लिख लेना है कि 5 रुपये का कितना ला रहा है बच्चों, 6 आर्टिकल खरीद के ला रहा है, और 6 रुपये का वो बेच रहा है बच्चों, 6 रुपये का बेच रहा है 5 आर्टिकल, क्लियर है? तो यानी कि डेफिनेटली सोचो, 5 रुपये का 6 ला रहा है और 6 रुपये का 5 ही बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट तो होगा ही। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे जो भी होने वाला है प्रॉफिट होने वाला है, और क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा भी कि प्रॉफिट निकालो, आप देख के बता भी सकते हैं कि प्रॉफिट होने वाला है। इस क्वेश्चन में पूछता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप बोलते हैं कि प्रॉफिट होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, मैं अगर बोलूँ बच्चों आपसे कि 20 टॉफी लेके आ जाओ, तो आप गए मार्केट 20 टॉफी खरीद के लेके आ गए, उसमें से केवल आप 20 में से केवल 15 बेचे, अभी 5 बेचना बाकी है, तो आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि जितना लाए थे उतना बेचेंगे नहीं। तो जब भी प्रॉफिट लॉस की बात होगा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जितना आप लाए हो उतना अगर बेचोगे तभी तो आप प्रॉफिट लॉस बता पाओगे ना। जैसे इस पहले वाले डेटा के हिसाब से 5 रुपये का 6 ला रहा है और 6 रुपये का 5 बेच रहा है, तो पहले वाले में 6 खरीद कर लाया, 5 बेचा है, अभी इसके पास 1 टॉफी बच गया है कि नहीं बच गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो ना, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितना टॉफी लाएगा, जितना टॉफी लाया है उतना बेचेगा, तभी हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हमको 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला इधर वाला क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्लियर है? ये सिंपल से लैंग्वेज बोलूँ कि यहाँ वाला जो नंबर है इसमें मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो दोनों इक्वल आ जाएगा। इक्वल आने का मतलब क्या होगा, देखो पहले वाले में जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 25 आ गया, क्लियर है, और इधर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 25 रुपीज़ का 30 चॉकलेट लाया, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 30 हो जाएगा, और इसको जब 6 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा। यानी कि 30 चॉकलेट लाया है और 30 बेच भी रहा है, सिंपल सी बात है। अब जब 30 लाया 25 रुपये का और 30 बेच रहा है 36 का, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस जो इसके जेब से लग रहा है, और रिटर्न जो आ रहा है वो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, अगर आप ऐसे सोचो तो। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल जितना लाया था उतना उसने सोल्ड कर दिया, क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहला टास्क यही होगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों केस में क्या करो, इक्वल करो। अब सिंपल सा बात हो गया बच्चों कि 25 रुपीज़ उसके जेब से गया और वापस कितना उसके जेब में आया, 36 आया, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ बच्चों? तो आप बोलोगे सर 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 11 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ किस पे कैलकुलेट करोगे, जितना उसके जेब से गया होगा यानी कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है, तो 25 से आप डिवाइड कर दोगे और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इतना कर दोगे तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि 44% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा। 44% का प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि ए इज द करेक्ट आंसर, ए टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे बच्चों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ आर्टिकल को हमेशा इक्वल करना, और इक्वल करने का सिंपल तरीका है पहले केस में जितना आर्टिकल रहेगा उसको दूसरे में मल्टीप्लाई कर देना, और दूसरे केस में जितना आर्टिकल रहेगा उसको पहले में मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपका आर्टिकल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। एक और क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई आर्टिकल खरीदता है 10 रुपये का 9, और सेम नंबर ऑफ आर्टिकल फिर खरीदता है 10 रुपये का 11, देन और वो बेचता है 1 रुपये का 1, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये आपको बताना है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था कि वो एक ही जगह से एक ही रेट में खरीद के ला रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो रेट में दो दुकान से सामान खरीद के लाता है। मतलब मान लो कुछ चौक उसको टॉफी कुछ पहले दुकान से खरीदा, तो पहले दुकान से खरीदा था 10 रुपये का 9 मिला, और फिर उसके बाद दूसरे दुकान पे गया था 10 रुपये का 11 टॉफी मिला। अब उन सबको लेके आ रहा है और ला के 1 रुपये का 1 टॉफी बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। और कंडीशन ये दिया हो बच्चों कि जितनी पहली दुकान से खरीदा था उतना ही दूसरे दुकान से भी खरीद रहा है। अब इसको देखो लिख के समझा रहा हूँ, 10 रुपये का उसने कितना लाया बच्चों, 9 चॉकलेट लाया, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या बोला है, दूसरे दुकान से कितने रुपये का लाया, तो दूसरे दुकान से भी 10 रुपये का 11 लाया है, और सेम नंबर ऑफ टॉफी ला रहा है बच्चों, दोनों जगह से सेम नंबर ऑफ टॉफी ला रहा है, तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल करने का मतलब पहले हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का, और दूसरे में कितने का, 9 का। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा
110 रुपये यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे 110 रुपये में कितना ला रहा है वो 99 टॉफी पहले दुकान से, और दूसरे दुकान से कितना ला रहा है बच्चों, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 90 रुपीज़ में कितना ला रहा है बच्चों वो यहाँ पे 99। अब देखो ये दोनों दुकान से इक्वल होगा कि नहीं हो गया, पहले दुकान से 99 ला रहा है, दूसरे दुकान से भी 99 ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद रहा है, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। यानी अब ओवरऑल देखा जाए तो उसके जेब से कितना गया होगा, पहले दुकान पर 110 रुपया दिया होगा, दूसरे दुकान पर 90 रुपया दिया होगा, तो उसके जेब से गया होगा 200 रुपये। अब जो उसके जेब से गया बच्चों, कितने लोग बोलेंगे सर वही तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, अब कितना 200 रुपये खर्चा करके कितना आर्टिकल लाया बच्चों, तो 198 आर्टिकल लाया हुआ है, ठीक है। अपने जेब से उसने 200 रुपये लगाया और 198 आर्टिकल उसने खरीद के ला दिया। अब बोला गया कि 1 रुपया का एक बेच रहा है बच्चों, तो 198, याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 रुपये का वो एक बेच रहा है, तो 198 आर्टिकल खरीद के लाया है बच्चों, तो 1 रुपया का एक बेचेगा तो उसके पास कितना जेब में आएगा, 198 रुपीज़ आएगा। तो ये जो बच्चों 198 रुपीज़ जो उसके जेब में आएगा, यही तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता चल गया, या दूसरे लैंग्वेज बोले तो उसने अपने जेब से 200 रुपये लगाया और उसके पास वापस जेब में 198 ही आया, तो कितने रुपये का लॉस हो गया बच्चों, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। और 2 रुपये का लॉस कितने रुपये पे हो रहा है, तो 200 रुपये उसने जेब से लगाया, 200 पे 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 200 रुपये का 2 कितना है, कितने लोग बोलेंगे 1% है, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है। तो 1% का लॉस का मतलब हो गया कि बी आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, बी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे, बी इज द करेक्ट आंसर। या फिर जो लोग फार्मूले से करना, मतलब फार्मूला ना मतलब कि इसको कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ऐसे सोच सकते हो कि 200 रुपये उसके जेब से लगा, 198 आया, तो 2 रुपये का नुकसान हुआ था, 2 रुपया 200 का कितना है, तो 2 / 200 कर लो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 1%, और ये लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 1% का लॉस होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन को यूज करके सॉल्व करो। अगर आपका परसेंटेज कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको पता है कि 2 रुपया 200 का कितना होता है, 1% के बराबर होता है, तो आप 1% लॉस टिक करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो नंबर ऑफ आर्टिकल को जितना आर्टिकल लाया है उतना ही सोल्ड करेगा, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना हो रहा है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है RRB 2014 जे एग्जाम में आया था बिलासपुर जोन में, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो डेफिनेटली इसका आंसर 100% आप निकाल लोगे और विद इन 30 सेकंड निकालोगे, और वो आंसर कमेंट करके आप जरूर बताना अगर आप सीरियसली गेट हो या PSU या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि जब आप होमवर्क क्वेश्चन करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं मैंने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको अप्लाई करने पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आंसर कमेंट करने का तरीका आपको पता है, होमवर्क क्वेश्चन लिखना है, अगर ए ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन टिक करना है, और उसके आगे नंबर भी लिखना है, ए कितना है 21/3% है, तो 21/3% आपको ऐसे कमेंट करके बताना है। अगर बी ऑप्शन रहेगा तो बी लिखना है 21/2% का कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ऐसे आंसर कमेंट करने का ये तरीका है, क्लियर है यहाँ तक सबको। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोगों ने 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आने वाले सेशन में और भी 5-6 टाइप के क्वेश्चन है, तो आने वाले 1-2 सेशन में मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वही मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिस टाइप क्वेश्चन आपके पब्लिक सेक्टर गेट या इंजीनियरिंग सर्विस में आते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर मैं डेली 1-2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो आपको 1-2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। और क्वेश्चन देखना नहीं है बच्चों, अगर आप फॉलो करें तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन मैं वही टॉपिक का देता हूँ जो टॉपिक आप लोगों को अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कई लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं, डीएक्टिवेट करके रखते हैं, तो वो लोग इंस्टाग्राम जरूर चलाते होंगे, तो इंस्टाग्राम पे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है। तो जब आप क्वेश्चन देखो, आपको आदत बना लेना चाहिए कि डेली सोने से पहले आपको इस बार फेसबुक इस इंस्टाग्राम पेज पर जाना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और आंसर कमेंट करके बताना चाहिए। जब डेली ये रूटीन में आपको फॉलो करने लगोगे बच्चों, तो आपका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि डेली 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर जितने भी टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, सारे के सारे टॉपिक का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा फाइल सेक्शन में जाने के बाद, या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यूज होता है तो मैं यहीं पर अपडेट करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इन सबको फॉलो करना और ज्वाइन करना बहुत आसान है बच्चों, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।